Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about serial in parallel out shift register. हम लोग सीपो shift register को देखेंगे. Serial in parallel out shift register. आपका input हम लोग serial ही देंगे और output जो है parallel ही मिलेगा. तो यहाँ पे देखिए आपका ये 4 bit का serial in parallel out shift register है. यहाँ पे 4 bit का shift register है, इसलिए यहाँ पे हम लोग number of flip flop कितना यूज किए हैं, 4. तो यहाँ पे देखिए फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 4, 4 फ्लिप फ्लॉप है. यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का यूज कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए साइमल्टेनियस एक साथ हम लोग क्लॉक को अप्लाई कर रहे हैं. आपका ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है. यहाँ पे ये D1, D2, D3, D4 हम लोग डाटा को क्या है, सीरियली अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट हम लोग कहाँ ले रहे हैं, पैरेलली ले रहे हैं. यहाँ से देखिए QA, QB, QC, QD, ये QD, ये आपका क्या है, पैरेलली आउटपुट है. तो हम लोग सीरियली डाटा देते हैं और पैरेलली आउटपुट को लेते हैं. अब इसका हम लोग ऑपरेशन को समझेंगे. तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये क्लॉक हो गया, इनपुट आउटपुट में हो गया आपका QA, QB, QC और QD, 4 आपका आउटपुट हो गया. देखिए क्लॉक में इनिशियली क्या होगा, रीसेट कंडीशन में होगा. जब आपका क्लॉक 0 रखिएगा तो क्या होगा, रीसेट कंडीशन में होगा. इनपुट आपका कुछ नहीं है, 0 रहेगा और आउटपुट भी क्या होगा, रीसेट रहेगा, तो 0 0 0 0 रहेगा. अब देखिए सपोज कीजिए आपका जो इनपुट है वो 1 1 1 0 है, ये आपका इनपुट है, इसको शिफ्ट करना है आपका आउटपुट में. तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग क्लॉक 1 देंगे, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, आपका 4 क्लॉक पल्स हो जाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, मीन्स राइजिंग एज में क्या होगा, ये आपका राइजिंग एज में है क्लॉक हम लोग अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे देखिए जब क्लॉक आपका 1 रहेगा तो यहाँ पे मेरा ये देखिए ये आपका LSB है, MSB है, इधर से हम लोग अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे क्लॉक 1 में क्या हो जाएगा, 0 है. तो यहाँ पे इनपुट क्या हो गया, आपका 0 हो गया. तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका इनपुट 0 हो गया, तो डी फ्लिप फ्लॉप है. डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट. तो यहाँ 0 है तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे 0. और इनिशियली सब क्या था, आपका इनिशियली सब 0 0 प्रोड्यूस कर रहा था, 0 0. तो आपका जब हम लोग 0 दिए तो क्या होगा, आउटपुट 0 प्रोड्यूस किया और सब भी क्या है आपका पहले से ही 0 0 है. तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0. अब देखिए क्लॉक पल्स 2 के लिए क्लॉक दूसरा क्लॉक अप्लाई करेंगे, तब देखिए इनपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है. तो ये आपका इनपुट हो गया 1. अब देखिए यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, 1. तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका 1 हो जाएगा. और प्रीवियस आउटपुट क्या है, इसका क्यूए प्रीवियस क्या था, 0 था. तो इसके लिए ये D2 आपका इनपुट है. तो ये देखिए D2 आपका इनपुट है, जो प्रीवियस आउटपुट था वो. तो यहाँ पे क्यूए में क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा. और इसके लिए क्या है, प्रीवियस जो आउटपुट है वो 0 है. तो 0 का फिर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, 0. फिर यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी 0 प्रोड्यूस करेगा और यहाँ भी 0. क्या जाएगा, 0 0 0. अब देखिए तीसरा क्लॉक पल्स के लिए, तीसरे क्लॉक पल्स के लिए क्या हो जाएगा, आपका इनपुट क्या हो जाएगा, 1. तो यहाँ पे 1 हो गया. अब देखिए जब फिर आपका ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 है, इससे पहला जो मेरा आउटपुट था वो 1 था. मीन्स ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट ही मेरा 1 था, ये 1 था. और अभी फिर क्या है, ये 1 हम लोग अप्लाई किए हैं, तो इसके कारण यहाँ पे क्यूए में क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, 1. तो ये आपका 1 हो जाएगा. और फिर ये प्रीवियस आउटपुट 1 है, तो इसके कारण यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा. फिर यहाँ पे देखिए ये 0 था, यहाँ पे क्या था, तो D3 का जो प्रीवियस आउटपुट था वो 0 था. तो यहाँ पे क्या करेगा, 0 प्रोड्यूस करेगा. और यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 प्रोड्यूस करेगा, तो 0 0. अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स को देखेंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स को हम लोग देखेंगे. तो फोर्थ क्लॉक पल्स आपका क्या है, फिर 1 है. तो आप 1 अप्लाई कीजिए. तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट आपका क्या है, 1 है.
तो देखिए यहाँ पे क्यूबी में वन है, तो यहाँ पे देखिए ये वन जो है लेटेस्ट, ये एमएसपी वाला, इसके कारण यहाँ पे वन प्रोड्यूस करेगा क्यूओ में। फिर ये प्रीवियस आउटपुट आपका वन है, तो उसके कारण यहाँ पे आपका वन प्रोड्यूस करेगा। फिर यहाँ भी प्रीवियस आउटपुट आपका वन है, जिसके कारण क्या होगा, क्यूसी में वन प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट क्या है, जीरो है, क्यूसी क्या था प्रीवियस, जीरो था, तो जीरो कारण यहाँ पे जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये देखिए आपको 1110 ये आपका क्या हो गया, चार बिट में ही आपका आ गया, चार क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई किए तो ये आपका आ गया। तो इस तरह से सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का हम लोग ऑपरेशन को देखे, चार बिट का हम लोग लिए तो चार फ्लिप फ्लॉप को लिए, क्लॉक हम लोग अप्लाई किए, और उसके बाद हम लोग क्या देखे, जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट इनपुट देते थे उसके कारण आउटपुट आता था, और जो प्रीवियस आउटपुट था उससे पहले वाला आउटपुट वो क्या था, D2 का इनपुट बन जा रहा था, उसके कारण जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था। फिर जो है प्रीवियस आउटपुट को हम लोग ले रहे थे, जो आपका प्रीवियस आउटपुट क्यूबी होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में D3 का इनपुट बन जाएगा, फिर उसके कारण आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।